अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर मैं ओकेक्स का विड्रा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मेरे ख्याल में ये ओकेक्स के विड्रा का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा इस मेथड से आपको कम से कम फीस देना पड़ेगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपसे कोई पॉइंट रह ना जाए। बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उर्दू सॉल्यूशन की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटी के निशान को लाजमी दबा दें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें। ओकेक्स की वेबसाइट में लॉगिन होने के बाद क्लेम पर क्लिक करें। क्लेम पर क्लिक करने के बाद आपने जितनी सतोशीज का विड्रॉ लेना है उतनी सतोशीज लिख कर क्लेम पर क्लिक कर दें। क्लेम पर क्लिक करने के बाद आपकी सतोशी क्लेम हो जाएंगी। इसके बाद आपने कंटिन्यू टू लर्न पर क्लिक करना है। अभी आप चेक कर सकते हैं कि हमारी जो क्लेमेबल सतोशी थी वो जीरो हो चुकी हैं। इसके बाद कोने में मौजूद ऊपर तीन लाइनों पर क्लिक करें। आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। इसके बाद आप एसेट्स पर क्लिक कर दें। एसेट्स पर क्लिक करने के बाद माई एसेट्स पर क्लिक कर दें। माई असिस्ट पर क्लिक करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा बैलेंस है वो पहुंच चुका है, लेकिन इस वक्त हमारे फंडिंग अकाउंट में मौजूद है जिसको हमने फंडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर आना है। इसके लिए आपने ऊपर ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देना है। ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। आपने दोबारा ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपके सामने फ्रॉम फंडिंग टू सपोर्ट अकाउंट लिखाएगा। आपने नीचे अमाउंट लिखनी है। अमाउंट लिखने के बाद आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपकी अमाउंट फंडिंग अकाउंट से निकलकर सपोर्ट अकाउंट में चली जाएगी जो कि एक ट्रेडिंग अकाउंट है। इसके बाद आपने कोने में मौजूद तीन लाइनों पर क्लिक करना है। तीन लाइनों पर क्लिक करने के बाद आपने दोबारा असिस्ट पर क्लिक कर देना है। असिस्ट पर क्लिक करने के बाद आपने माई असिस्ट पर क्लिक करना है। माई असिस्ट पर क्लिक करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका बैलेंस फंडिंग अकाउंट से निकलकर ट्रेडिंग अकाउंट में पहुँच चुका है। ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस पहुँच जाने के बाद आपने दोबारा तीन लाइनों पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। आपने ट्रेड पर क्लिक करना है। ट्रेड पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे सपाट पर क्लिक कर देना है। सपाट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिस तरह का पेज आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। दोस्तों पेज को आपने थोड़ा सा जूम करना है। जूम करने के बाद बाएं जानिब आपको कोने में तीन ऑप्शन नज़र आएंगे। इन तीनों ऑप्शन में से आपने क्रिप्टो सेलेक्ट कर लेना है। क्रिप्टो सेलेक्ट करने के बाद आपको इसके ऊपर एक सर्च बॉक्स मिल जाएगा। क्रिप्टो सेलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर सर्च बॉक्स में सर्च करना है LTC। आप जैसे ही LTC सर्च करेंगे आपको नीचे तीन ऑप्शन नज़र आएंगे। आपने LTC BTC को सेलेक्ट कर लेना है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको LTC+BTC नज़र आएगा। इसके बाद आपने पेज को थोड़ा सा जूम आउट करना है। जूम आउट करने के बाद आपने दाएं जानिब ले जाना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, बाई LTC सेल LTC। तो दोस्तों आपने बाई LTC पर क्लिक करके जितनी अमाउंट की LTC लेनी है उतनी अमाउंट लिखें और बाई LTC पर क्लिक कर दें। बाई LTC पर क्लिक करने के बाद आपने पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि इस वक्त हमारे सामने LTC शो हो रही है। आपने ऊपर असिस्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद माई असिस्ट पर क्लिक कर देना है। माई असिस्ट पर क्लिक करने के बाद आपने पेज को थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास LTC मौजूद है। दोस्तों अभी हमने इन LTC का विड्रा लेना है। इसके लिए आपने ऊपर विड्रा के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। विड्रा के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। आपने यहाँ पर सेलेक्ट करेंसी पर क्लिक करना है। सेलेक्ट करेंसी पर क्लिक करने के बाद आपको एक सामने ऊपर सर्च बॉक्स नज़र आएगा।
सर्च बॉक्स पर क्लिक करें। सर्च बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपने यहां पर सर्च करना है LTC। LTC सर्च करने के बाद LTC कॉइन को सेलेक्ट करें। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर मेरा एड्रेस ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन आपको ये एड्रेस कहां से मिलेगा? इसके लिए आपने एक गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है पायर, और उसका अकाउंट आपने क्रिएट कर लेना है। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करने का तरीका नहीं आता तो आप इसके लिए यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हाउ टू क्रिएट अ पायर अकाउंट। अकाउंट बनाने के बाद आपने पायर की एप्लीकेशन में आ जाना है। इसके बाद आपने LTC पर क्लिक कर देना है। LTC पर क्लिक करने के बाद आपने एड मनी पर क्लिक करना है। एड मनी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है। एड्रेस को कॉपी करने के बाद आपने वापस OKX की वेबसाइट में चले जाना है और यहाँ पर एड्रेस को पेस्ट कर देना है। एड्रेस लिखने के बाद आपने अमाउंट लिखनी है। अमाउंट लिखने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपने फंडिंग पासवर्ड देना होगा। अपना फंडिंग पासवर्ड दें। फंडिंग पासवर्ड देने के बाद आपने दोबारा कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जी तो दोस्तों हमारा इस टाइम विड्रॉल लग चुका है, जिसका स्टेटस आप विड्रॉल हिस्ट्री में जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों हमारा विड्रॉ कंप्लीट हो चुका है और हमें OKX की जानिब से एक मेल भी आ गया है। इसके अलावा आपके नंबर पर मैसेज भी आएगा। दोस्तों ये OKX की जानिब से मुझे एक मेल भी आ गया है। इसके बाद हमने जाना है अपने पायर के अकाउंट में। तो दोस्तों पायर के अकाउंट में आ जाने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि मुझे अभी तक बैलेंस रिसीव नहीं हुआ। आपने हिस्ट्री पर क्लिक करना है। हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी हिस्ट्री में भी अभी तक ये बैलेंस शो नहीं हो रहा। इसके लिए आपने 2 से 3 मिनट का वेट करना है। 2 मिनट वेट करने के बाद आपने दोबारा हिस्ट्री पर क्लिक करना है। अभी आप चेक कर सकते हैं कि मुझे LTC की एक अमाउंट शो हो रही है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये अभी हमारे अकाउंट में नहीं पहुंची। इसके लिए आपको मज़ीद 3 से 4 मिनट वेट करना पड़ेगा। जी तो दोस्तों दोबारा मैं अपने पायर के अकाउंट में आ चुका हूं। पायर के अकाउंट में आने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा बैलेंस इस वक्त मेरे पास पहुँच चुका है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। दोस्तों आपने दोबारा हिस्ट्री पर क्लिक करना है। हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद उसी अमाउंट पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी अमाउंट कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपने वापस डैशबोर्ड पर आ जाना है। डैशबोर्ड पर आ जाने के बाद मैं यहां पर आपको एक चीज़ समझाने लगा हूं। दोस्तों स्क्रीन पर आपको मुख्तलिफ करेंसी के ग्राफ शो हो रहे हैं, जिनकी कीमत ऊपर नीचे जा रही होती है। आप इनको आगे पीछे स्क्रॉल करेंगे तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर LTC की कीमत भी आपको शो रही है। अभी आप चेक कर सकते हैं कि LTC की कीमत डाउन जा रही है। दोस्तों अगर आप इसका विड्रा नहीं लेते तो कुछ टाइम बाद शायद इसकी कीमत बहुत ऊपर चली जाए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी है, जिसकी कीमत बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन दोस्तों मैं इसका विड्रा लेने लगा हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको इसके विड्रा का मेथड समझाना है। इसके लिए आपने नीचे मौजूद एक्सचेंज के बटन पर क्लिक कर देना है। आपने दोस्तों BTC पर क्लिक करके LTC सेलेक्ट कर लेना है। LTC सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी मुतलका अमाउंट लिखनी है। इस अमाउंट को हम एक्सचेंज करेंगे पाया USD में, इसलिए आपने नीचे वाले ऑप्शन को नहीं छेड़ना। अमाउंट लिखने के बाद आपके सामने शो होगा कि आपको इससे कितने डॉलर मिलेंगे। इसके बाद आपने एक्सचेंज पर क्लिक कर देना है। एक्सचेंज पर क्लिक करने के फौरन ही बाद हमारी ये अमाउंट एक्सचेंज हो जाएगी। इसके बाद आपने मेन मेन्यू में आ जाना है। दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि हमारी अमाउंट लाइट कॉइन से कन्वर्ट होकर पाया USD में आ चुकी है।
इसके बाद आपने ऊपर कोने में मौजूद अपने अकाउंट नंबर पर क्लिक करना है। अकाउंट नंबर पर क्लिक करने के बाद आपने यहां से अपना अकाउंट नंबर कॉपी कर लेना है। अकाउंट नंबर कॉपी कर लेने के बाद आपने कैश माल अकाउंट में आ जाना है। अगर आपके पास कैश माल का अकाउंट नहीं है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है कि इसका अकाउंट कैसे बनाना है आपने। दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि मेरे कैश माल अकाउंट में इस वक्त अवेलेबल बैलेंस 0.5 है। इसके बाद आपने मैनेज फंड में आ जाना है। मैनेज फंड पर क्लिक करने के बाद आपने डिपॉजिट पर क्लिक कर देना है। डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और पायर पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपने यहां पर अपनी मुतलका अमाउंट लिखी है जो कि आपके पायर अकाउंट में मौजूद थी। इस पर आपको थोड़ी बहुत फीस देना होगी, इसलिए आपने ओरिजिनल कीमत से थोड़ी सी कम लिखनी है। दोस्तों मेरे पायर अकाउंट में 5.27 डॉलर मौजूद है। दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि ये अमाउंट मेरे अकाउंट में मौजूद अमाउंट से ज़्यादा है, इसलिए आपने वापस चले जाना है। वापस आ जाने के बाद आपने दोबारा पायर पर क्लिक करना है। पायर पर क्लिक करके आपने दोबारा अपनी अमाउंट लिखनी है। अमाउंट लिखने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अभी आप चेक कर सकते हैं कि ये अमाउंट मेरे अकाउंट में मौजूद अमाउंट से कम है, इसलिए आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने अपना पायर का अकाउंट पेस्ट कर देना है जो कि हमने कॉपी किया था। अकाउंट लिखने के बाद आपने अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने गो नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। गो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप पायर के अकाउंट में चले जाएंगे। आपने वहां पर चेक कर लेना है कि आपकी जो अमाउंट है ये इस वक्त कहां पर ट्रांसफ़र की जा रही है। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि मेरी ये अमाउंट कैश माल में ट्रांसफ़र की जा रही है। चेक कर लेने के बाद आपने नीचे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे आपका पेज लोडिंग लेगा। पेज लोडिंग लेने के बाद आपका कैश माल का अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि इस वक्त हमारे कैश माल में अवेलेबल बैलेंस 803 रुपए मौजूद है, जो कि तकरीबन 1 से 2 सेकंड के अंदर हमारे पायर के अकाउंट से कैश माल में पहुँच चुका है। पेज को नीचे की तरफ स्क्रोल करके आप चेक भी कर सकते हैं कि ये अमाउंट हमें इस वक्त कहाँ से आई है। दोस्तों अभी हमने इस अमाउंट का विड्रा लेना है इजी पैसा या जैज कैश में। इसके लिए आपने दोबारा मैनेज फंड पर क्लिक करना है। मैनेज फंड पर क्लिक करने के बाद आपने विड्रा पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं यहां से पहले भी इजी पैसा अकाउंट में विड्रा लेता रहता हूं, इसलिए मेरी यहां इंफॉर्मेशन फिलअप है। आपने यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर देनी है। दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक नॉर्मल विड्रा है और एक अर्जेंट विड्रा है। मैं अभी अर्जेंट विड्रा लेने लगा हूँ जिसकी 1% फीस है। अर्जेंट विड्रा पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी मुतलका अमाउंट लिखनी है। अमाउंट लिखने के बाद आपने कैश माल का 5 अंकों का पिन कोड डाल देना है। इसके बाद आपने परव्यू पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों आपने अपनी डिटेल चेक कर लेनी है। डिटेल चेक कर लेने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर देना है। इमेज को वेरीफाई करने के बाद आपने कंफर्म रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हमारी विड्रा की रिक्वेस्ट लग चुकी है। अभी मैं आपको हिस्ट्री में जाकर चेक भी कराता हूं कि क्या हमारा विड्रा लग चुका है या नहीं।
दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये विड्रा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों ये विड्रा मुझे तकरीबन 4 मिनट के अंदर मिला है, जिसकी हिस्ट्री आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। आप ट्रांजैक्शन आईडी नोट कर लें। मैं अभी आपको इजी पैसा की जानिब से मिलने वाले मैसेज की भी ट्रांजैक्शन आईडी चेक कराता हूं। दोस्तों आप ये मेरा मैसेज भी चेक कर सकते हैं जो मुझे इजी पैसा की जानिब से आया है। अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें और इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।